दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी लेके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो दोस्तों 23 जून 2022 से ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट है दोस्तों 22 जुलाई 2022। तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कितना वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं। जैसे दोस्तों मैकेनिकल इंजन के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर दी गई 103 और यहाँ पर 4 ईयर रेगुलर जो आपका इंजीनियरिंग मांगा गया मैकेनिकल इंजन से। दोस्तों नेटवर्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी जहाँ पर 42 वैकेंसी है और 4 ईयर का वही रेगुलर इंजीनियरिंग मांगा गया वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे 30 वैकेंसी हैं, 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है वो रिलेटिव ब्रांचेस फाइनली वही है। और सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है तो सिविल से मांगा गया है। आप देखोगे यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है 25 ईयर दिया गया है इन सब के लिए। केमिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है, 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है। और दोस्तों आप देखोगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन कंप्यूटर साइंस IT से मांगा गया। यहाँ 5 वैकेंसी हैं, एज लिमिट आपको बता दिया गया। सेफ्टी ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश लोकेशन के लिए वैकेंसी है, 4 ईयर मांगा गया यहाँ पर डिग्री। मैकेनिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड ये डिग्री बताया गया है। और यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब वहाँ का जो भी लैंग्वेज है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ऐसे दोस्तों तमिलनाडु के लिए भी सेम है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज। सेफ्टी ऑफिसर केरला के लिए भी सेम है और सेफ्टी ऑफिसर गोवा के लिए भी सेम है। फायरन सेफ्टी ऑफिसर के लिए वैकेंसी। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फुल टाइम रेगुलर BTech इन फायर और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग और यहाँ पे तो एंड जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो दोस्तों क्राइटेरिया में रहनी चाहिए। यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, एज लिमिट आप देख रहे हो 27 है, ठीक है, इनके सबके लिए 27 एज लिमिट है। नेक्स्ट बात करूँ QC ऑफिसर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री से मांगा गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों ऑफिसर, जहाँ पर दोस्तों 5 वैकेंसी हैं, 27 एज लिमिट और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दीजिए 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके लिए। नेक्स्ट बात करूँ CA के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर दोस्तों CA मांगा गया है और पूरा आपको बता दिया गया 15 वैकेंसी। HR ऑफिसर के लिए वैकेंसी 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स इन HR और बाकी की जो MBA हो तो भी चलेगा, यहाँ पर बता दिया गया आपको। 8 वैकेंसी हैं, यहाँ पर एज लिमिट 27। वेलफेयर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, शाखा रिफाइनरी के लिए, इसके लिए पर्टिकुलर लोकेशन डिस्क्लोज कर दी गई है। वो यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए आर्ट्स साइंस और कॉमर्स और इन लॉ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बता दी आपको, तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ लेना। नेक्स्ट दोस्तों मुंबई लोकेशन के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा डिग्री मांगा गया सोशल साइंस, बाकी की आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। लॉ ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है, 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ। ऐसे दोस्तों लॉ HR के लिए वैकेंसी 3 ईयर यही मांगा गया। मैनेजर सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, यहाँ बता दिया गया मैनेजर के लिए 34 एज लिमिट और सीनियर मैनेजर 37, 3 वैकेंसी है और यहाँ 4 ईयर का जो है रेगुलर डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। बाकी की ये चीज़ बताई गई है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो उससे रिलेटिव ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे अप्लाई कौन कौन सी कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल से बता दिया, इलेक्ट्रिकल से बता दिया, इंस्ट्रूमेंटेशन बता दिया, सिविल से बता दिया, केमिकल, जैसे केमिकल की बात करूँ तो केमिकल पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल पेट्रोल रिफाइनरी, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक सिस्टम, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस IT, ये सारी ब्रांचेज बता दी गई हैं। और यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो है मार्क्स बता दिए गए हैं कि 50% CA के लिए होने चाहिए, लॉ HR के लिए 60%, ऑल अदर पोजीशन के लिए 60% होना अनिवार्य है, जैसे कि उसके लिए केवल जनरल OBC WS के लिए। बाकी की SC ST के लिए 55% चलेगा लॉ HR के लिए और बाकी के अदर पोजीशन के लिए 50% चलेगा SC ST PWD कैटेगरी में। दोस्तों बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, किससे रिलेटिव होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर समझाई गई हैं, उन्हें आपको खुद से दोस्तों पढ़ लेना है। बस सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन का तरीका दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ग्रुप टास्क रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा
अगर आप लॉ किए हुए तो उनके इसके लिए और एक टेस्ट रहेगा। फाइनली उसके बाद रहेगा आपका जो है मेडिकल टेस्ट। और यहाँ पर रिटन टेस्ट में क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, ये सारी चीज़ें बताइए क्या क्या आएगा। तो इसमें से आएगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे एक है कि आप एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं एक यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जहाँ पे केमिकल मांगा वहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ पे पूरा पैकेज उसको आपको बता दिया ग्रेड वाइज, कौन से ग्रेड के लिए कितना है। फ्रेशर हो आप तो 16.26 लैक्स पर एनम आपको मिलने वाला है CTC। यहाँ पर बाकी की जो पोस्टिंग है फाइनली पोस्टिंग ये कहीं भी दे सकता है, एक शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको कि ज्वाइनिंग करा दिया और कुछ है नहीं, तो यहाँ पर वो प्रोविजनल पीरियड रहेगा, वो रहेगा ड्यूरेशन 1 ईयर का। यहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि फ़ी कितने लगने वाला है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको नीचे तौर पर बताई गई हैं। तो नीचे चलते हैं, इन चीज़ों को आपको खुद से पढ़ लेना है। ये एप्लीकेशन फ़ी तो आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है तो यहाँ पर पूरा बता दिया कि आपको hindustanpetroleum.com पे जाना है, करियर ऑप्शन में जाना है, करंट ओपनिंग में जाना है, वहाँ पर जाके आपको ये अप्लाई करना है। पूरा तरीका आपको दोस्तों सामने आप देख रहे हो, लेकिन वो अभी ओपन नहीं होगा, वो होगा 23 जून 2022 को 12 बजे, ठीक है, ध्यान रखें। तो उससे पहले आप अप्लाई करोगे तो आपको अभी दिखेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो है 1180 प्लस पेमेंट गेटवे, जो भी चार्ज लगेगा वो, ठीक है। बाकी का ये केवल अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए, SC ST PWD कैटेगरी में तो कोई फी नहीं लगने वाली। यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से बता दिया गया, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आपको पढ़ते हुए यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट AICT से अप्रूव होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों अच्छे से बताई गई हैं। तो उन चीज़ों को आपको दोस्तों ध्यान में रखते हुए इसे अप्लाई करना है, ध्यान नहीं भूलना है। और दोस्तों आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको वेबसाइट को ओपन करना है hindustanpetroleum.com। जैसे आप ओपन करोगे दोस्तों तो आपको देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको करियर ढूंढना है, देखो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा तरीका। तो आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या जॉब ओपनिंग, तो आपको जॉब ओपनिंग को प्रेस कर देना है करियर के ओपन करने के बाद। जैसे दोस्तों आप जॉब ओपनिंग को प्रेस करोगे तो आपके सामने पहला जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2022-23, ये नोटिफिकेशन वही है। आपको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों बस यहाँ से आपको डाउनलोड करना, जैसे प्रेस करोगे आपको नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मैं आपको देखो प्रेस करके बता देता हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया तो दोस्तों आप तो यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा कि नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी है और ये नोटिफिकेशन दोस्तों हिंदी में भी दिया हुआ है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं ये चीज़ आप जानने के लिए एक काम कर सकते हो, हमारी ऑफिशियली वेबसाइट क्या indianindustrytutorial.in को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी जितनी अपडेट्स हैं वो हम डालते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं, ये कंटिन्यू टाइम टू टाइम आप ओपन करके और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो गवर्नमेंट फ्रेशर एक्सपीरियंस जॉब को टाइम टू टाइम देखते रहो। तो जय हिंद, जय भारत, भोजन मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।